हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रीता जी की दुनिया में। तो आज हमारे दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। रात को तो मैं सो ही नहीं पाई और आज लेट उठी हूँ। पता है क्या हुआ, ये जो पेंट है ना, ये सब जो प्लास्टिक पेंट होता है, इसका तो मेरे को कोई स्मेल नहीं आता, इसका तो अच्छा लगता है खुशबू। और ये जो है होता है ना बर्जर का पेंट, जो लोहे में मारा जाता है, लोहे वाला, उसका स्मेल से मेरा पूरा रात भर मेरे आँखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो गया था रात को। फिर इसको वैसे मैं सो नहीं पाई। 4 बजे भोर में थोड़ा सा नींद आया है, फिर मैं सोई हूँ। और अभी देखिए नहा वहा ली कि फ्रेश हो जाऊँ और अब पूरे दिन काम होगा। लेकिन अभी तो ये सूख गया है, देखिए ये देखिए, इसको टच करेंगे तो ये लोहे वाला पेंट है, ये सूख गया है। लेकिन कल साफ सफाई करने के बाद ना इतना थकान भी हो गया था, उसके बाद ये जो पेंट का स्मेल मेरे को पूरे रात बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अभी बच्चे आ गए हैं इस वाले रूम में, अभी ऊपर का होगा पेंट, तो आज भैया ऊपर वाला रूम का होगा, तो ऊपर वाला रूम को भी खाली कर देते हैं। सुबह से ऐसे बच्चे कर रहे हैं, मैं नहाई, कपड़ा वपड़ा धोई, तो उधर बाथरूम में हम लोगों का, तो इधर कपड़ा वपड़ा सुखाई हूँ। तो आज इस रूम में पेंट होना है, तो इस रूम को हमने खाली कर दिया ऑलमोस्ट। यहाँ पे कुछ किताबें रखी हैं वो हटानी है, और तो सारा सामान हट गया है, सारे कपड़े वपड़े हट गए हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो है कि वाइट वॉश होगा, मतलब वाइट पेंट करेंगे, देखते हैं उसके बाद इसमें और क्या कलर ऐड करेंगे। तो ये जो दीवारें हैं ना, इसको भैया आके भी स्क्रब करेंगे और सारा निकालेंगे। जब तक यहाँ पे ये जो बोर्ड है ना बाहर की तरफ, ये लकी निकाल रहा है, देख रहे हैं कैसा सीलन, ये सीलन की वजह से हो गया पूरा। ये एंड्स भी रिपेयर होंगे, सब रिपेयर होगा। अभी ये सब रख रहे हैं, कुछ सामान नीचे चला गया, जैसे हम लोग यहाँ पे लैपटॉप वैपटॉप होता है हमारा, तो हम नीचे लेके चले गए हैं और यहाँ का सारा सामान यहाँ रख दिया है। देखिए लकी सारा रूम को खाली कर दिया है, ये बच्चों वाला रूम आज होगा। इधर लाला जी भी आए हैं, कुछ टेप वेप मारेंगे शायद। ये देख रहे हैं इधर टर्न से सामान निकाल रहा है लकी। अरे वाह, लकी तो अपना सबसे पुराना खजाना निकाल रहा है। तो भाई ये है हमारे दादा, भाई से बहुत भारी है ना, इसको संभाल के लकी रखा है। ये हमारा मतलब पहला पीसी है, इसी से स्टार्ट किया था ना। इसका कहानी बहुत बड़ा है भाई, तो बताएगा लकी, बताएगा उसका मॉनिटर आ गया, ये सीपीयू आ गया, देख रहे हो। रोज चले जी, रोज आते हैं कबाड़ी वाले, बोलते हैं पुराना लैपटॉप बेचो, पुराना नहीं बिकेगा। लक्की बेचने नहीं देता है उसको, और उसके साथ मदरबोर्ड बेच, उसके साथ उसकी यादें बहुत है, तो वो बताएगा खुद ही आपको। अब देखिए इस छज्जा पे क्या था, एक हमारा चूल्हा है, एक हमारा चूल्हा है जिसमें छठ व्रत का प्रसाद बनाती हूँ, नया चूल्हा रखी हूँ। हाँ, और दो मॉनिटर था, एक बड़ा सा डोलू था, सीपीयू मॉनिटर वो होता है। अच्छा, दिखता है ना, हाँ जैसे टीवी टाइप का, तो वो मॉनिटर होता है। हाँ ये सीपीयू है और वो मॉनिटर, यही दिमाग है। अच्छा ये दिमाग है और उसका बॉडी उधर है। हाँ एक डोलू है, एक मयूरचक है, एक छोटा सिलेंडर है ना जी, दिखाई जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो इसमें भरवा लेती हूँ 1 किलो। तो इधर भैया भी आ गए हैं, खोदम खादी स्टार्ट। तो भाई ये वाला जो गेट है ना, ये बंद बंद होने में बहुत दिक्कत दे रहा है, तो इसको क्या कर रहे हैं, कब्जे कटवा के हम दोबारा से लगवा रहे हैं, तो इससे थोड़ी ना गर्म हो रहा है। तो मम्मी ने आज पापा को सुबह सुबह बोला, तो पापा कब्जे वब्जे लेकर आए हैं, मेरे कब्जे। आज मैं बड़ी दुखी हूँ। कोई नहीं, अब ये गेट मम्मी से बंद नहीं होता है। ये
निकल गया हमारा गेट भाई साहब, गेट कट गया भाई, गेट कट गया भाई। अब कैसे रहूंगी? ये वाला गेट लगा के रहना मम्मी, ये वाला गेट लगा के रहना, ठीक है? 10 मिनट में कट जाता है यार। देख रहे हो भाई, ये कट गया पूरा। देख रहे हैं यहाँ पे टूटा फूटा है, इसको ठीक कर रहे हैं भैया। भैया अपना काम करते हुए देखना पेंट ना गिरे। इधर काम है सीढ़ी का, कंजस्टेड हो जाता है। और ये बच्चों का रूम का जितना भी सामान था ना, सारा निकाल के उधर किचन में रखे हैं। जब जाके देखिए दीवारों का हालात क्या था, बहुत ही ख़राब हो गया था। ये देख रहे हैं सारा दीवार को ठीक करेंगे भैया। और ये वाला कमरा ललित जी बोले हैं कि बिल्कुल वाइट रहेगा, नो कलर। चलो भाई, भैया लोग करके जा रहे हैं। अब गेट भी अच्छा हो गया और खिड़की भी अच्छा हो गया, गेट भी अच्छा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत दिन से गेट के लिए परेशान थी मैं। और मैं कब से बोल रही थी लाला जी से कि बुलाइए बुलाइए किसी को। तो यहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं और आखिरकार दरवाज़ा का भी काम हो ही गया। दरवाज़ा बहुत ही मतलब बंद तो होता ही नहीं था, इतना मुश्किल से बंद होता था ना कि पूछे मत। पूरा आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाता था कि मेरा दरवाज़ा बंद हो रहा है, इतना टाइट हो गया था। मतलब पूरा ठोका पीटी उसके साथ लड़ाई करना पड़ता था कि हाँ मैं तेरे को बंद करने वाली हूँ, ऐसा करना पड़ता था। अभी मैं जा रही हूँ चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा चिंगारियाँ निकल रही थी ना तो सामान रखा हुआ इसमें, चेक करके और फिर वो क्लियर कर दूँ कि हाँ कुछ टेंशन है। छोटा सा वो जगह में ना सारा सामान रखा रहता है तो ये आग का काम होता है तो टेंशन लगता है मन में। यार काफ़ी टाइम से लाइट गई हुई है और ये हमारा जो आर ओ है ना इन्वर्टर पे था तो बहुत ज़्यादा बिजली इसने खींच ली, फिर आवाज़ करने लग गया है। तो अभी हम लोग कुछ चला ला नहीं रहे हैं, ये दिक्कत ही हो गई है भाई। गली में सब लोग बाहर आ रखे हैं। अब भी यहाँ पे मम्मी यहाँ पे खाना बना रही हैं, आलू की सब्जी और चावल। आलू की सब्जी मुझे तो बोले थे चिकन बनाओ, सोयाबीन डाल के। सोयाबीन डाल के? ये सोयाबीन का मतलब चिकन ही तो होता है। अच्छा, सोयाबीन खा लिए तो माना चिकन खा लिए। क्या बात है भाई, चलो ठीक ही है। देख रहे हो सोयाबीन बोल के इधर चिकन बना रही थी, मेरे को बता ही नहीं। ठीक है, लकी बहुत दिन से बोल रहा है कि मम्मी, जब से आई हूँ तब से बोल रहा है कि मम्मी चिकन बना दो चिकन बना दो। तो मैं बोली कि बनाऊंगी बाद में, लेकिन आज मैं इसको पता नहीं है कि मैं चिकन बना रही हूँ। बोले आलू सोयाबीन तो खुश हो जाता है, आलू सोयाबीन में भी खुश हो जाता है, आलू सोयाबीन में मुझे अच्छा लगता है। तो आज चिकन बना रही हूँ और चावल बस लंच में। भाई ऐसी मैं वेट कम कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे कितना पतला होगा, ऐसे पतला मत हो जाइए। तो मैंने बोला कि 5 किलो और कम होना है बस। मेरा मत देख रहे, एकदम पेट गायब हो गया पूरा, नहीं है थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है वो तो। अब पापा का थोड़ा बहुत खत्म हो गया था, थोड़ा बहुत ला रहे हैं। फिर रील भी बनाई हूँ खाना बनाते बनाते। अच्छा, रील भी बना दियो खाना बनाते बनाते। कितना मेहनत करती हूँ, पसीना देखो। और मम्मी ने यहाँ पे खाना बना दिया है, भाई किचन में काम हो रहा है तो इसी वजह से हम लोग बेड पे ही खा लेंगे, ठीक है? और हमने बिछा लिया है, बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं ना अंजलि, कम से कम 2-3 साल बाद, उससे भी ज़्यादा हुए होंगे।
क्योंकि हम लोग ऊपर रूम में खाते थे नीचे बैठ के। लाइट नहीं है क्या मम्मी? नहीं लाइट नहीं, लाइट नहीं आई है। तो यहाँ पे ना सब डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या वॉल पे बनने वाला है, दीवारें बनाए हैं ना, इन सब पे क्या क्या बनवाने वाले हैं। आप लोग भी कुछ सजेशन दीजिएगा। एक बाबू है लक्की के दोस्त, वो बनाने वाले हैं, उनसे मिलवाएंगे भी आप लोगों को। काम कर रहे हैं ललित। तो भाई हमारी एक ऐसी वॉल है, मतलब एक बोर्ड ही था हमारा एक तरीके से। इस पे अंजलि ने कुछ लिखा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेवर स्टार्ट अ बिजनेस टू मेक मनी, स्टार्ट बिजनेस मेक अदर लाइफ इजियर। अंजलि भाई कब लिखा था ये? 2017। उस टाइम मैंने बहुत कुछ लिख रखा था यहाँ पे, यहाँ पे ललित भाई ने चिपका रखा था कुछ। जो भी मतलब हमारी चीज होती थी हम यहाँ पे लिख देते थे कि हाँ ऐसी ऐसी है, पर अब पूरा पेंट हो जाएगा तो फिर सब गायब हो जाएगा। गांव में बड़ा बड़ा बोर्ड बनाए हैं और यहीं पर कैद हो जाएगा बस इस कैमरे में। पिछला घर को देखना है तो देख लो क्योंकि ये नया बनने वाला है। तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि चिकनी मिट्टी लगा दे रहे हैं, पूरा रूम वाइट हो गया है। तो आज सब यहाँ बैठे हुए हैं और आज का पूरा बसेरा डेरा यही है, तीनों के तीनों अपना काम कर रहे। इधर काम करना नहीं, पूरे दिन में एक वीडियो भी एडिट नहीं हुई है, ऐसा हुआ है यहाँ पे। एक ही पोजीशन नहीं होती तो कैसे बैठ के करोगे भाई, लैपटॉप बहुत भारी होते हैं और गर्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे काम हो रहा है, पापा अपने काम में लगे हुए हैं। ये जो थी ना, ये जितने भी शीशे हैं यहाँ पे, चिकनी मिट्टी पूरी पापा ला करके यहाँ पे पापा ने लगा दी, इस पे भी लगा दी, इस पे भी लगा दी, दोनों पे लग गई। और आज ये सीढ़ी से खुद ही कूद करके नीचे आ गए, किसी ने बुलाया नहीं है सुबह सुबह। तो भाई पूरा रूम हमारा वाइट से रेडी हो चुका है, वाइट वॉश हो चुका है पूरे रूम में हमारे, मस्त एकदम मस्त वाइट पेंट भी हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई पेंट वेंट कराने के बाद जो भी साफ सफाई कर लेंगे, और उस रूम में तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है पूरा, थोड़ा उसमें कलर नहीं है पर इस वाले रूम में बहुत ज़्यादा कलर है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ही एंड, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और भाई कल और आज तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा ही, पूछो मत। पेंट होता तो बहुत काम फैल जाता है, तभी हम लोग फिर साफ़ सफाई करके फिर आप लोगों से मिलते हैं कल। और आप लोग भी सो जाइए, हम भी चलते हैं, अभी नहीं सोएंगे बाद में सोएंगे, पर फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।